भूल जा आपने ब्रेकअप आप के बाद लिखा था क्या नहीं मेरी कभी इस तरह की ब्रेकअप हुई नहीं okay. लेकिन ये भी स्टोरीज ऑफ फ्रेंड्स एंड अदर पीपल एंड मुझे ब्रेकअप का एक ही प्रॉब्लम लगता था कि किसी को ब्रेकअप हुआ है आप उसे और भी दुखी गाने सुनाते हो hmm. कभी एक ही गाना ब्रेकअप पर नहीं बना है जहाँ कोई कहता है कि यार छोड़ना यार यू नो छोड़ दे नॉट वर्थ इट चल आगे निकलते हैं भूल जा जो हुआ उसे भूल जा मुस्कुरा यू नो गेट ऑन विद लाइफ तो मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम थी तो मैंने उस वो गाना बनाया जिद में कि ये लोग और कुरे थे और तू खुश रहे तू आबाद रहे मैं तो तेरे यादों में मरता रहूँ अरे क्यों ऐसी बातें कर रहे हो यार नेगेटिव वाली लोगों को वही सुनना था सुनता था वो भी सुन सुन के और भी उन लोग

काफ़ी टाइम से अभी होपफुली वी आर एट द एंड ऑफ इट यू नो कुछ साल पहले मेरी एक रिलेशनशिप थी uh, hmm. relationship. और रिलेशनशिप में मेरे लिए वन ऑफ माय लव लैंग्वेजेस इज शेयरिंग म्यूजिक राइट क्योंकि आपको दूसरे इंसान के वर्ल्ड के बारे में पता चलता है उनके म्यूजिक चॉइस की वजह से hmm. या यू गेट टू टेल देम डीपर थिंग्स अबाउट योरसेल्फ थ्रू योर म्यूजिक चॉइस तो आई वुड सी की द गर्ल आई लाइक उनकी म्यूजिक चॉइस बहुत सैड थी और उस रिलेशनशिप के दौरान मैं बहुत फैसिनेटेड था उनके माइंड को लेकर क्योंकि बहुत स्मार्ट थी बट बहुत सैड थी आई सपोज सैड म्यूजिक जिसमें उम्मीद नहीं थी hmm. उस उनके सारे म्यूजिक चॉइसेस में उम्मीद नहीं थी एंड ओवर द कोर्स ऑफ डेटिंग आई बिकेम वेरी सेयरफुलट मेरे गाने सुनते रहो नो नो बट ऑफ कोर्स लाइक यू सेड सैड सी चूँकि प्यार है भाई हाँ तो उसका आप टीचर तो नहीं बन सकते हो hmm. उसको आप नहीं ये गलत है वो गलत है आप डिसिप्लिनरियन बन जाओगे तो फिर वो प्यार प्यार का मतलब ही क्या रहा लेकिन साथ साथ अगर आपको लगता है कि मैं एक अच्छा इन्फ्लुएंस बन सकता हूँ या मैं आपको कह सकता हूँ ये गाने अच्छा मेरे चॉइस के गाने सुनो बोले यार कितने फेवलिस से गाने हैं इन गानों में कोई देप्ती नहीं है इन गानों में कोई सोच ही नहीं है तो फिर आप समझा सकते हो कि भाई सोच सिर्फ जैसे गजलें होती हैं तो लोगों को लगता है कि गज़लों में गहराई है ऑफ़कोर्स है, लेकिन गज़लों की एक अमूमन क्वालिटी होती है कि उसमें सैडनेस होती है उसमें सेल्फ अपसेशन होती है उसमें कहीं ना कहीं आप ख़ुद को एक लाइट आप बिकिन बनाते हो और सामने वालों को बेवफा बना देते हो सामने वालों को आ, कदर नहीं है मेरी मेरी जो जो, जो, ना और ख़ुद को आप बहुत ट्रैम्पल करते हो उसको कि तेरी एक झलक को फिर मैं मर जाऊँ ये हो जाए वो हो जाए सो so, कहीं ना कहीं दैट प्लेज इन योर साइकी योर सेल्फ एस्टीम इज फॉलिंग योर योर खुद के बारे में आपकी सोच जो है ना कि मैं मैं तुझ सा हूँ और उसी में शायराना अंदाज दिख रहा है hmm. नहीं डोंट गेट इन टू दैट ट्रिप बिकॉज उसके बाद आपको हर कोई लगेगा कि ये बस मुझको यूज कर रहा है ये बस मुझको मतलब क्योंकि आप वो चाहते हैं आपको दुखी होना है

कि मुझे तेरी पड़ी नहीं है <laughs> तो जब मैं धोखा दूंगा ये तो सैड तो नहीं हो सकता सॉरी बहुत अजीब हो गया लेकिन सैड सॉन्ग तो आप समझ रहे हो सेल्फ है हाँ, है बैड बैड स्ट्रोक स्ट्रोक ये इट्स hmm. लाइक uh, like, अगर आपका एक बड़ा कट हो गया हाथ पे और वो hmm. कट हील हो रहा है आप कौन स्कैब को पिक इतने करते हैं भाई वो ये कर रहे हैं ये कर रहे हैं वो कर आज के लिए बहुत मेंटल uh, हेल्थ का मैंने एक यू नो तन्हा दिल का मैंने तन्हा दिल टू पॉइंट वो बनाया मैं प्लीज चाहता हूँ कि आप उस गाने को सुने और उसमें द होल स्टेट ऑफ माइंड ऑफ सम इन बॉडी लाइन डिप्रेशन इज देयर और उसमें उसका समाधान उस कैसे आप उससे निकल सकते हो वो भी है उसमें hmm. और इट्स इन सॉन्ग एंड लिरिक तो अगर आप टाइटली सुने तनहा दिल तनहा सफ़र ढूंढे तुझे फिर ये नज़र मैं खुद जो मैं वो खुश वाला मैं था उसे मैं अभी ढूंढ रहा हूँ तो आई वॉन्ट टू बी दैट पर्सन अगेन तो इस बैटल पर आप गिव अप मत करो मेरे पिताजी ने किया वट हैपन दो छोटे छोटे बच्चे एक यंग बेबी को छोड़ के चले गए क्या मिला उनको सो मे बी लाइक यू सैर इन दिगिनिंग ऑफ द थिंग दैट आई है इज ब्यूटिफुल कुछ भी हो जाए लाइफ इज ब्यूटिफुल सैड सोशल मीडिया अकाउंट्स और सैड गानों को कॉन्शियसली अनफॉलो और अनलाइक करना चाहिए सैड लोगों को अनफॉलो करो सोशल मीडिया पर और सैड गानों को खुद के प्लेलिस्ट से निकालो

डिस्को मुझको भूलना है तो मैं ये नहीं कर सकते हो क्योंकि एक, एक hmm. उस वक्त ही उसको निकाल सकता है ना दो सैड सॉन्ग्स विल टेक यू डाउन विद इट सो डोंट गो दर डोंट एंजॉय दिस फीलिंग ऑफ सैडनेस और आजकल अगर आप फील कर रहे हो तो आप उसको सोशल मीडिया में आपको डाला है नो no. वो एक पुराना गाना था तुम जो हस हसेगी रोगे तुम तो ना रोएगी दुनिया अभी कितना बदल गया है अभी तो गाना हो गया ना सुन रहा है ना तू रो रहा हूं मैं। अगर तू नहीं सुन रहा तो मैं नहीं रोऊंगा भाई सो दिस डिस्प्ले ऑफ एवरीथिंग टू पीपल सैड आई एम यू आर सैड दैट्स योर प्राइवेट स्पेस कीप इट दैट वे डोंट इंडल्ज इन टू सैडनेस एंड लेट ट्वेंटी पीपल नो And turn that into your personality because There's mm. no one to blame for that. Then then you go to therapy, you take medication, lo. and the people who genuinely get into what you call medical depression, clinical, ir, clinical, clinical. depression, you know, wo bichare, they are not taken seriously mm. because of ye jo fashionably sad. Ho jate so you know what is clinically depression, right? That, 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 all, all this is happening. कोई एक ही बात पे कोई मज़ा आ गया मजा आ गया द डिफरेंस इज दैट द डिफरेंट स्पाइक्स ऑफ केमिकल्स इज डिफरेंट विद एवरी बैलेंस तो किसी किसी में वो एनजाइटी वाले केमिकल ज़्यादा है किसी किसी में वो डोपमिन वाले लेवल्स कम है तो तो दे गैर टू दैट जोन आफ्टर अ आफ्ट एज अ सटन पॉइंट तो दैट इज़ अ सीरियस सिचुएशन केमिकल सिचुएशन दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर चैनल को एक्सप्लोर करो देखते जाओ और सीखते जाओ